नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एस बी क्लासेज में। दोस्तों, आज हम ब्रह्मांड के बारे में जानेंगे, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो शुरुआत करते हैं आज की इस ऑडियो फाइल की। सबसे पहले है तारों के सुंदर सुंदर पैटर्नों को क्या कहा जाता है। तो तारों के पैटर्नों को दोस्तों तारामंडल कहा जाता है। नेक्स्ट वन है, बादलों में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है। तारों में दोस्तों हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। जैसे कि हम सबको पता है कि सूर्य भी एक तारा है और उसमें हाइड्रोजन गैस उपलब्ध है। हीलियम भी साथ में होती है, बट मुख्यतः हाइड्रोजन गैस भी होती है। नेक्स्ट वन है, जब तारे के अंदर संलयन अभिक्रिया होती है तो उसमें क्या परिवर्तित होता है। दोस्तों जैसे कि मैंने अभी इससे पहले बताया कि हाइड्रोजन और हीलियम दोनों होते हैं ऑक्सीजन सॉरी हाइड्रोजन और हीलियम गैस जो होते हैं वो क्या है, तारे के अंदर संलयन जो अभिक्रिया है उसमें हाइड्रोजन गैस हीलियम में परिवर्तित होती रहती है। आगे है, सूर्य के बाहरी भाग का तापमान कितना होता है। सूर्य के बाहरी भाग का तापमान लगभग 6,000 डिग्री होता है। कहीं पर आपको 4 भी मिलेगा, 4 से 6,000 मिल जाता है। नेक्स्ट वन है, बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करता है। बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में पूरी करता है। किस ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं। तो ये शनि ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने दिन में पूरी करता है। ये करता है दोस्तों 27.3 दिन में। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि नौ सामान्यतः हम 30 दिन मान लेते हैं, 15 दिन कृष्ण पक्ष और 15 दिन शुक्ल पक्ष, यानी कि जिसको हम बोलते हैं 15 दिन की चांदनी होती है और 15 दिन अंधेर होता है। लेकिन एग्जैक्टली जो दिन होते हैं वो 27.3 होते हैं। हेली नामक भूचल तारा कितने वर्षों में दिखाई देता है। ये दिखाई देता है दोस्तों 76 ईयर्स के बाद। ये एक सर्कल में चलता है, हर 6 साल बाद ये आपको दिखाई देगा। पृथ्वी के केंद्र में कितना डिग्री सेल्सियस ताप पाया जाता है। पृथ्वी के केंद्र में 4,000 डिग्री सेल्सियस तापमान पाया जाता है। पृथ्वी एक गैसीय आवरण से ढकी हुई है जिसे हम क्या कहते हैं, उस हम कहते हैं इसको वायुमंडल। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने की दिशा क्या है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी के वायुमंडल में किस गैस की अधिकता पाई जाती है। तो दोस्तों पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की अधिकता पाई जाती है जो कि 78% होती है, और उसके बाद ऑक्सीजन की मात्रा दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा पाई जाती है और ये होती है 21%। नेक्स्ट वन है, पृथ्वी की सतह के करीब 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर
कौन सी परत पाई जाती है? यह है दोस्तों ओजोन परत। ओजोन परत जो हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। नेक्स्ट वन है, शुभ मंडल या जिसको हम ट्रोपोस्फियर भी बोलते हैं, वह सतह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई तक है? यह है दोस्तों 10 किलोमीटर तक ऊंची होती है ये, यानी कि पृथ्वी की सतह से लेकर ऊपर 10 किलोमीटर तक शोभ मंडल पाया जाता है। और इसी शोभ मंडल में दोस्तों बादल बनते हैं, बिजलियां चमकती हैं, तो सारी मौसमी घटनाएं इसी शोभ मंडल में होती हैं, उसके ऊपर ये सब नहीं होता। जैसे मैंने आपको बताया कि शुभ मंडल पृथ्वी का सबसे निकट वाला क्या है, परत है वायुमंडल की, उसी तरह से सबसे बाहरी जो परत है उसको हम बहिर्मंडल बोलते हैं। नेक्स्ट वन है, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा पाया जाता है? पृथ्वी के सबसे निकट शुक्र ग्रह है, जिसको हम पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। और ये हम आकार की वजह से ज्यादातर हम पृथ्वी की बहन कह देते हैं, अदरवाइज तो इसमें पृथ्वी जैसा कुछ है नहीं। इसके वायुमंडल में और पृथ्वी के वायुमंडल में बहुत ज्यादा अंतर होता है। नेक्स्ट वन है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? यह है दोस्तों 8 मिनट 20 सेकंड, या फिर बोल देते 8.3 मिनट में। और इसी तरह से चंद्रमा का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर 1.3 सेकंड में पहुंचता है। पृथ्वी का व्यास कितने किलोमीटर है? पृथ्वी का व्यास 12,756 किलोमीटर है। नेक्स्ट वन है, चंद्रमा पर रात का तापमान कितने डिग्री सेल्सियस होता है? तो चंद्रमा पर रात का तापमान 180 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य का व्यास कितने किलोमीटर है? जैसे हमने अभी पृथ्वी का पढ़ा 12,756 किलोमीटर, ऐसे ही सूर्य का व्यास है 13,92,000 किलोमीटर। तो मतलब एक अंदाजे से कह सकते हैं कि पृथ्वी क्या है, सूर्य से कितनी छोटी है, इसे हम सोच सकते हैं। 13 लाख से भी ज्यादा, गुणा से भी ज्यादा छोटी है। सौर दिवस की अवधि कितनी होती है? सौर दिवस की अवधि दोस्तों 24 घंटे की होती है। और सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो यह सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह डीमोस है। और सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है, जो बृहस्पति का ग्रह है। नेक्स्ट वन है, सूर्य के केंद्र का तापमान कितना होता है? केंद्र का तापमान हमने इससे पहले पढ़ा था, सूर्य की जो बाहरी सतह है उसका तापमान 6,000 डिग्री सेल्सियस, लेकिन सूर्य के जो अंदर की सतह है उसका तापमान 15 मिलियन सेंटीग्रेड होता है। 15 मिलियन सेंटीग्रेड। नेक्स्ट वन है, ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनका एक कोई भी उपग्रह नहीं है? ये है दोस्तों बुध और शुक्र ग्रह, इनके कोई भी उपग्रह नहीं है। लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? लाल ग्रह दोस्तों मंगल ग्रह को कहा जाता है।
और ये एक आयरन ऑक्साइड की वजह से लाल पाया जाता है। ओके, सबसे बड़े तारे मंडल का क्या नाम है? सबसे बड़ा जो तारा मंडल है वो है सेंटोरस, जिसमें 94 तारे हैं। सौर मंडल में सूर्य का द्रव्यमान कितना है? सूर्य का द्रव्यमान दोस्तों 99.97% है। सूर्य का सबसे आंतरिक सतह, जो सबसे अंदर वाला भाग, उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं करोड़। ओके, और सूर्य की जो सबसे बाहरी सतह है उसको क्या बोलते हैं? प्रकाश मंडल। ओके, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की जो चार दीवारी जो दिखती है, सर्कल जो दिखता है पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान, वो उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं किरीट, या करोना भी बोल देते हैं। बुध ग्रह का करोड़ किससे बना हुआ है? करोड़ से मतलब आप समझ गए होंगे कि जो सबसे अंदर का हिस्सा होता है, वो हिस्सा किसे बना है? लोहे का बना है। बुध का एक पूरा दिन पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर होता है? बुध का एक पूरा दिन पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर होता है। नेक्स्ट वन है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? ध्रुवीय व्यास मतलब दोस्तों ध्रुवों पर, यह है 12,714 किलोमीटर। और पृथ्वी का ध्रुवीय और विषुवतीय व्यास में कितना अंतर पाया जाता है? ये 42 किलोमीटर का। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, विषुवतीय व्यास का मतलब है पृथ्वी जहां से विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा गुजरती है, वहां से चारों तरफ जो उसकी जो सर्कल है वो कितना है बड़ा है? वो 42 किलोमीटर बड़ा है। किससे? पृथ्वी के ध्रुवीय सर्कल से 42 किलोमीटर बड़ा। और लास्ट वन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो दोस्तों ये थी आज की प्रश्नों की सीरीज, उम्मीद आप लोगों को पसंद आएगी, और पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।